विशाल शर्मा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग 9, 10, 11, 12 की सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसमें 11th क्लास में मैंने पिछली बार चैप्टर 1 को स्टार्ट करवाया था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करवाई थी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स दिए थे। थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेथ तक पढ़ लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेथ भी होती है, सेल्स भी उनके जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बींग्स की जो उन्हीं में कैरेक्टर्स में गिनी जाती हैं। जैसे पहला है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? एक्चुअली इट्स एन अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जबकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर हमें कोई पिंच करता है तो दैट इज रिस्पॉन्स, हम कैसे देते हैं उसको, एकदम पीछे हो जाते हैं या हाथ हटा लेते हैं, तो वो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहा जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होते हैं दे कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। स्टिमुलाई आर परसीव बाय द सेंस ऑर्गन्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स। और ये कैसे परसीव किए जाते हैं? आइज से, सेंस से, मतलब जैसे नोज है, अगर आपको खुशबू आ रही है आप एकदम ऐसे करते हो, ईयर्स में से तो एकदम हमारा कान उधर चला जाता है। सो दीज आर ऑल रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, ये सब कॉन्शियसनेस में आते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। प्लांट्स भी तो रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे सनफ्लावर है, सूर्य की रोशनी में वो एकदम खिल जाता है, टच मी नॉट है वो मोमेंट्स में आ जाता है एक्चुअली, ठीक है। जो टच मी नॉट है ना, उसको हम टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो एकदम खुल जाती हैं, तो वो जो है वो अकॉर्डिंग टू दी वो मोमेंट में आ जाता है। वैसे तो जो सनफ्लावर का भी मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी मोमेंट में आ जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो अगेन अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो, क्योंकि स्टिमुलाई है और रिस्पॉन्स भी हो रहा है, ओके। सेकेंड चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन, इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट। हमारी बॉडी में सिर्फ एक सेल नहीं है, एक टिश्यू नहीं है, एक ऑर्गन नहीं है, दे आर मल्टीपल थिंग्स, सो ऑब्वियसली दे आर ऑर्गेनाइज। कैसे ऑर्गेनाइज? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हैं सारे जो उसके ऑर्गन्स हैं वो एक तरह से ऑर्गेनाइज हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट वगैरह हो गए वो सब अलग ऑर्गेनाइज हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया जैसे किडनीज हो गई, यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो वो अलग ऑर्गेनाइज है। ये नहीं कि किडनी नीचे है तो यूरिनरी ब्लैडर ऊपर है, ऐसा नहीं है, दे आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिर है एनर्जी, लिविंग बींग्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फूड। एक्चुअली जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक कोई भी बॉडी का जो हमारी बॉडी में जान भी नहीं रहती, हम लोगों को डिजीनेस सी होने लगती है, अंदर से फील होता है कि कुछ खाएं कुछ पिए, क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। फिर है होम्योस्टेसिस, द सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम टू एडजस्ट एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे एडजस्ट करता है, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस, ठीक है। चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर बाहर आंधी आ रही है तो आपका डाइजेशन नहीं हो रहा, या फिर अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप नहीं जाओगे क्योंकि बाहर आंधी आ रही है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज़ अ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर एकदम बस आगे से आ गई और आप भागोगे तो एड्रेनलिन सिक्रेट हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बस के आने से आपका हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। मतलब देर इज अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस एक था। आई विल गिव यू द नोट्स, प्लीज डोंट कॉपी देम, देर इज नो नीड। मैं सिर्फ टर्म्स के नाम ही लिख रही हूँ, बाकी आई बी प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, फिर है वेरिएशंस, लिविंग बींग्स पोजेस द वेरिएशंस एंड हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व विद द टाइम। सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं। जो सिबलिंग्स होते हैं, इनफैक्ट जो दे आर टू टाइप ऑफ ट्विंस, फेटर्नल ट्विंस होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर होती है, ठीक है। और दे हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व विद टाइम, मतलब टाइम के साथ वो इवॉल्व होते हैं, मतलब बेटर होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इवोल्यूशन होता है हमारा, ठीक है। अब जैसे हम बच्चे होते हैं तो ना कि हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, देर इज़ द इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर, डाइजेशन पावर, फंक्शनिंग पावर, सब चेंज होती है, इवॉल्व हो रहे हैं हम, ओके। फिर है अडेप्टेशंस,
अडेप्टेशन आपको मालूम है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सिक्स क्लासेस से कि जो एनवायरनमेंट के साथ हम लोग जो बेसिकली एडजस्टमेंट करते हैं या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है या फंक्शनिंग ऐसी होती है वो जिसके हिसाब से हम लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से ढंग से अपने आप को एडजस्ट कर सके उस प्रोसेस को हम अडेप्टेशन कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो यूजफुल वेरिएशंस मतलब जो कि अच्छी वाली वेरिएशंस हैं जो इनहेरिटेबल होती हैं। ठीक है ना, जैसे ब्लू आइज मदर फादर की हैं तो बच्चे की ब्लू आइज हो गई या ऐसी कोई भी वेरिएशन जैसे उनकी हाइट हो गई एनीथिंग लाइक दैट। यूजफुल वेरिएशंस आर द इनहेरिटेबल वेरिएशंस और चेंजेस इन द फॉर्म फंक्शन एंड बिहेवियर विच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट सक्सेसफुली इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज अडेप्टेशन। भाई अब एक लिजर्ड है वो कैसे अपने ऑब्वियसली वो रेप्टाइल है एक, ठीक है, वो इवॉल्व हुई है, अब उसका कैसी क्या अडेप्टेशन है कि वो इजिली उसके जो उसके अंदर स्टिकिंग पावर है टू द वॉल। ठीक है, डू वी हैव, वी डोंट हैव। इसी तरह से ऑल दी ऑर्गेनिजम्स दे हैव सम स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स सम स्पेशल फीचर्स बाय विच दे कैन एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, दीज आर नोन एज अडेप्टेशंस। ओके, एंड यूजफुल वेरिएशंस क्यों बोला है, बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर द बींग, वो ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है। अगर आज अगर आप बर्ड के पास विंग्स नहीं है तो ऑब्वियसली हाउ कुड इट फ्लाई, तो दीज आर यूजफुल, इसलिए उनको यूजफुल वेरिएशंस कहा गया है। अच्छा, अडेप्टेशंस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम सीजनल एंड अदर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अडेप्टेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब यही जो अडेप्टेशंस हैं, जैसे पोलर बेयर है उसके कितने बाल है, उसके जो उसका फुट है वो उसके साथ अडेप्टेड है कि वो बर्फ पे चल सके, दीज आर ऑल किसके लिए है, ये टू ओवरकम द सीजनल एंड अदर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी भी ऐसी है कि सर्दी गर्मी सब सहन कर लेती है, खैर हमारी तो बात छोड़ो क्योंकि वी कैन हैव क्लोथ्स अकॉर्डिंगली, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स जैसे पोलर बेयर्स हैं या ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर तो जो उनकी बॉडी है वही ऐसी बनी हुई है कि अगर देयर आर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट सो दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये है अडेप्टेशंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस आर लाइक एज ऑर्गेनिजम्स गो फॉर हाइबरनेशन। अब देखो जैसे हाइबरनेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे सर्दी आती है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, छुप जाते हैं और अपना उन्होंने फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है उनका, जो कि बाकी सीजन चेंज जब होता है तो वो वही फैट उनके काम आता है। ठीक है, तो जैसे रेप्टाइल्स भी करते हैं, एम्फीबियंस भी करते हैं, वो अपने बर्रोज में छुप जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन जैसे होती हैं, जैसे क्लॉज हो गए डिफरेंट बर्ड्स के, दे आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिट्स। अब अलग अलग देखिए, बर्ड्स के अंदर भी अलग अलग बर्ड्स हैं, उनकी सबके जो क्लॉज हैं, सबके जो बीक्स हैं, दे आर अकॉर्डिंगली कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये होती हैं लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म होती है जैसे कि आज मतलब सर्दी हुई हमने स्वेटर पहन लिया, ठीक है, गर्मी हुई तो हमने कॉटन के कपड़े पहन लिए, तो दीज आर लाइक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। ओके, फिर है हेयरिंग एंड हीलिंग एंड रिपेयर। सॉरी, लिविंग बींग्स कैन हील एंड रिपेयर देयर वर्न आउट पार्ट्स। आपने लिजर्ड को भी देखा होगा, खैर वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, फिर भी क्या होता है कि उसकी अगर पूंछ गिर जाती है, उसको अगर एनिमी का अटैक का डर होता है तो इट रिपेयर्स इट सेल्स एंड उसकी पूंछ वो वापस आ जाती है। ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है कि लिवर भी ऐसा ही है जो अपने आप को एकदम रिजुविनेट कर लेता है, दोबारा बनाना शुरू कर लेता है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे सेल्स भी ऐसे हैं जो वर्न आउट जो हैं वो जाते रहते हैं और जो नए नए बनते रहते हैं। प्लांट्स में भी ऐसा होता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं, वो हाइट वगैरह बढ़ाते रहते हैं, दे डिवाइड थ्रू आउट, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, और वर्न आउट जो हैं वो जाते रहते हैं एंड द न्यू वन कम। ओके, अच्छा, अब जो एक मेन पार्ट है, ये तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा एक रिविजन था और थोड़े एड ऑन्स थे जो पॉइंट्स थे। अब जो बेसिकली हम लोग आज लेंगे वो लेंगे मेनली टर्मिनोलॉजीज। ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं जो अभी तक, ये तो आपने सब फिर भी 10th तक पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, बट नाउ वी विल कवर दोज टर्म्स विच आर न्यू फॉर यू इन क्लास 11th। ठीक है, जैसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स। यहाँ पे जो टर्म है एमएससी में जाके पूरा सब्जेक्ट बन जाता है सिस्टमैटिक्स। चलिए, सिस्टमैटिक्स इज द साइंस
that deals with the diversity of the organisms and all their evolutionary and comparative relationships based on the study of anatomy, development, comparative biochemistry, comparative physiology and ecology. I'll explain. सिस्टमैटिक्स एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है जो कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर डील करती है और उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स के बाद में जब पंख होने शुरू हो गए थे तो दे वो फिर बर्ड्स बनते गए, एवोल्यूशन तो यही होता है ना, तो उनकी एवोल्यूशनरी स्टडी करना, फिर उनके कंपैरेटिव रिलेशनशिप्स देखना, जैसे कि वही बता रही हूँ ना कि रेप्टाइल्स का हमने कहा कि बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स में आपको याद होगा कि डायनासोर्स भी होते थे और फ्लाइंग डायनासोर्स भी होते थे जिनको इक्थियोसोर्स भी कहा जाता था, ठीक है, उसके बाद फिर बर्ड्स इवॉल्व हुए, तो दे मस्ट बी सब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम, ठीक है, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में अगर आपको याद हो तो आर्क्यूटेरिक्स नाम का एक कनेक्टिंग लिंक भी होता है जो हम हर बार पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी शायद हमने पढ़ा है, तो दे मीन्स, इट मीन्स कि मतलब वहाँ पे कोई है एक कनेक्शन जो एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी स्टडी ऑफ, अब वो किसी चीज़ पे बेसिस होना चाहिए हमारा कि हम ये बोल रहे हैं, मैंने ऐसे बोल दिया कि जी बर्ड जो है वो रेप्टाइल से हो रहा है, लेकिन आई शुड गिव सम प्रूफ, मेरे पास एविडेंस होना चाहिए, तो वो एविडेंस क्या है, एनाटमी, एनाटमी से पता चल जाता है, एनाटमी मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे उनकी स्टडी का, डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुआ है वो, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हमारे एक बायोलॉजी, बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री दोनों चीज़ें, मतलब जिसे कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस एक बायोलॉजिकल बॉडी में चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, फिर फिजियोलॉजी जो भी उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, और इकोलॉजी जो भी उसके रहने के हो गए, जहाँ पे वो रहते थे, जैसे वो अडेप्टेड थे, जैसे उनके स्ट्रक्चर थे, तो सारी सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमैटिक्स के अंडर आती हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि सिस्टमैटिक्स है क्या, ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ये ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहली बात कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें, सपोज जैसे एक चूहा है कोई, तो हमें आइडेंटिफिकेशन की है क्या, फिर नॉमनक्लेचर कि मतलब भाई उसका नाम क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है, और फिर उसको कहाँ क्लासिफाई करें हम, किस में डालें, ठीक है, मैमल्स में डालें, इंसेक्टा में डालें, या फिर आर्थ्रोपोडा में डालें, कहाँ डालें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें टैक्सोनॉमी सिखाती है, ओके, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारा टैक्सोनॉमी, फिर आ जाएगा क्लासिफिकेशन, देखो जब हम लोगों को पता चल गया कि कौन किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको फिर क्लासिफाई भी कर पाएंगे, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, इट इज द अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टू द कन्वीनियंट कैटेगरीज और ग्रुप्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म को कुछ ऐसे ग्रुप में डालना या ऐसी कैटेगरी में डालना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, अब ऑब्वियसली तो एक छिपकली को एक मोर के साथ तो नहीं डालोगे बिकॉज दे आर एंटायरली डिफरेंट, तो इसलिए अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टू द कन्वीनियंट ग्रुप या कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन सर्टेन इजिली ऑब्जर्वेबल एंड फंडामेंटल करेक्टर्स, मतलब उसके जो डिफरेंसेज हैं और जो उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके हिसाब से ही तो आप क्लासिफाई करोगे ना, आप जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को आप रेप्टाइल्स में नहीं डाल सकते, एम्फीबियंस में नहीं डाल सकते, एम्फीबियन को एक रेप्टाइल में नहीं डाल सकते बिकॉज दे हैव दोज ऑर्गेनिजम्स इन दैट कैटेगरी विच हैव सम फंडामेंटल रिजेंबलिंग पॉइंट्स, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसमें रिजेंबल कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि राना टिग्रेना हो गया फ्रॉग और टोड हो गया बुफोमेरानस टिक्टस, उन लोगों की कैटेगरीज काफ़ी सेम है, ठीक है, सो दे आर पुट इन कैटेगराइज इन टू द सिमिलर कैटेगरी नोन एज एम्फीबियन, राइट, अ हायरार्की ऑफ कैटेगरीज इज फॉर्म टेकिंग द एफिनिटीज और रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन द माइंड, इसमें क्या होता है कि हम एक हायरार्की देखते हैं, मतलब एक लगातार पैटर्न देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनमें सेम है, और उनकी पूरी की पूरी जैसे कहते हैं ना पेरेंटल ट्री देखा जाता है, दादाजी फिर पापा फिर बेटा फिर उसका बेटा, कि कहीं ना कहीं कहाँ रिजेम्बलेंस हो रही है, कहाँ सेम करेक्टर्स हो रहे हैं, तो इसी तरह हम लोग एनिमल्स में भी ये चीज़ देखते हैं, ओके, फिर हम कि कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स,
और ना सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर देखा जाता है बल्कि डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, उसके जो अंदर के बायो के जो एंटिटीज हैं, मतलब जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, वो भी देखा जाता है। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, किंगडम, सबसे पहले किंगडम आता है, ठीक है, उसके बाद फाइलम, फिर आता है क्लास, ये हम डिटेल में लेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ, ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चैप्टर जो उसमें है, इतना फैमिली हो गया और जीनस हो गया और स्पीशीज हो गया, ओके, ये सारे आ जाएंगे हमारे इसमें क्लासिफिकेशन में, ओके। फिर आ जाता है नॉमेनक्लेचर, साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स। अब नाम, अब हमें पता चल गया कि ये ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, अब उसका नाम रखेंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे नॉमेनक्लेचर। साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स टू बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर लड़का है तो उसका नाम जैसे अशोक है, तो लड़की है उसका नाम मीरा है, तो आपको एकदम देखते ही, नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि कौन लड़का है कौन लड़की है। सिमिलरली जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो उस पर हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। अब जैसे देखो प्लांट्स की बिल्कुल डिफरेंस होती है, मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक, अब उसका नाम किस पर रखा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका, प्लांट के ही ऊपर रखा हुआ है। अब आ जाओ अगर आप बुफो बनाना स्ट्रिक्टस टोड पे आ जाओ, तो बुफो मैनोनस टिक्टस, वो भी उसका नाम जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही बेस करके रखा हुआ है, विच विल स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर्स, मतलब आगे वाले, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के नाम जो रखे गए हैं या जो एनिमल्स के नाम रखे गए हैं वो भी कुछ सोच समझ के रखे गए हैं, उनके कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए हम लोग उनका नाम रखते हैं, ओके। फिर नॉमेनक्लेचर गिव्स टू वर्ड्स, जैसे मैंने बताया नॉमेनक्लेचर में जैसे फर्स्ट होता है मैंजीफेरा, जैसे आम का है ये इंडिका, अब इसमें क्या होता है, पहली बात तो दोनों को अंडरलाइन करते हैं, और जो फर्स्ट नेम होता है, ठीक है, उसको फर्स्ट ये कैपिटल होता है, इसका जो होता है वो स्मॉल होता है, और ये जेनेरिक नेम होता है, ये स्पीशीज नेम होता है, ओके। फिर है आइडेंटिफिकेशन, फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये जो आइडेंटिफिकेशन हमने करी है ये हम लोग सबसे पहले तो करेक्ट नेम उसका देखते हैं और प्लेस, ठीक है, कहाँ रहता है ऑर्गेनिज्म। इट इज़ प्रिसीडेड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है ऑर्गेनिज्म की, कैरेक्टर्स आर देन कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द कीज, फिर कैरेक्टर्स का कंपैरिजन शुरू हो जाता है, इसकी पूंछ कितनी है, ये सर्कुलेशन किसे कैसे करता है, इसके डाइजेशन कैसे हो रही है, इसके सिस्टम कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन एन एरिया, सपोज आपको एक एरिया में थ्री डिफरेंट एनिमल्स आपने देखे बिलोंगिंग टू थ्री डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, तीन डिफरेंट स्पीशीज के आपको थ्री ऑर्गेनिजम्स मिले, सपोज सब जैसे एक डॉग मिल गया, एक कैट मिल गया, एक रैबिट मिल गया, ठीक है, नहीं एक डॉग मिल गया, एक पिजन मिल गया और एक इंसेक्ट मिल गया, ओके, थ्री डिफरेंट स्पीशीज भी कहा है हमने। एंड एनिमल टी इज फाउंड इन ए लोकेलिटी बींग सर्वेड, ठीक है, अब एक एनिमल टी हम लोगों को मिला है, अब उस एनिमल को हम देखेंगे कि इन तीन एनिमल से कहाँ कहाँ उसकी रिजेम्बलेंस है, कहाँ उससे वो मिल रहा है, उसी के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे। सपोज हमें जो टी ऑर्गेनिज्म मिला है वो तितली है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उसको डॉग की कैटेगरी में नहीं डालेंगे या फिर मतलब कैट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, तो हम उसको इंसेक्ट की कैटेगरी में ही डालेंगे ना। तो जो भी चीज़ हम लोगों को, जो भी ऑर्गेनिज्म मिलता है उसकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो तीन जैसे हम ऑर्गेनिज्म हैं तो हम उससे मैच करके ही उसके अंदर डालेंगे, राइट। सो दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो आप उसको कैटेगराइज कैसे करोगे, दैट्स अ पॉइंट, ओके। फिर है identification, right? हाँ, it is a list of alternate characters arranged in such a manner that by selection and elimination we can identify an organism as to its name and position. अब देखो हम लोग ये देखेंगे जैसे कि सपोज एक ह्यूमन बींग है और एक शेर है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनके क्या क्या, देख के ही पता चल जाएगा आपको, एक की पूंछ है, एक की नहीं है, एक के चार पैर है, एक के दो पैर है, राइट। तो सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन, हमने सिलेक्ट भी करा कि भाई दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, और एलिमिनेट भी करा, हाँ भाई इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ है, तो उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। यहाँ तक का ये था, अब हम टॉपिक लेंगे सिस्टमैटिक्स को डिटेल में, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स इन डिटेल, ठीक है. ब्रांच ऑफ, अभी वैसे मैंने आप लोगों को वो बता दिया था ब्रीफ में, बट अब हम इलेबोरेट करके इसको पढ़ते हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इनटू द कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीड. अगर हम किसी फर्नीचर रूम में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना सर कैटलॉग दिखाओ, या फिर जो हम लोग टाइल्स लेने जाते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो हम कहते हैं कैटलॉग है आपके पास. उस कैटलॉग में क्या होता है, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. जैसे सपोज लेनी हमने सिर्फ टेबल है, लेकिन हज़ार टेबल्स हम लोगों को दिख जाएंगी, कोई किसी तरह की, कोई लकड़ी की, कोई प्लास्टिक की, किसी तरह की. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी हम लोग उनका एक कैटलॉग बनाते हैं, ठीक है, और उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, उनको नेम किया जाता है, उनका नाम रखा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म का ये नाम है. कंपेयर्ड, कंपेयर भी किया जाता है कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अलग है, वो वाला अलग है. ओके, तो इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो हम लोग उसको नाम ही क्या देंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही होगी. नॉमनक्लेचर, फिर नाम दिया. एंड क्लासिफिकेशन, फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे. ओके, स्टडी ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप प्रोवाइड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिमेनिंग मेम्बर्स ऑफ दैट ग्रुप. जब हम लोग मेमेलिया पढ़ते हैं, तो अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के भी अगर वो पढ़ लें ना करेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोगों को एक जनरल पता चल जाता है कि हाँ बाकी भी जो है 19-20 थोड़ा फ़र्क होगा, या फिर 18-20 का फर्क होगा, बट काफ़ी चीज़ें उनमें मेन कॉमन होती हैं. ओके, साइंटिस्ट कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ, मतलब साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक्चुअली यही कनेक्शन रखा, और इसको हम लोगों ने कहा स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट. मतलब उन ऑर्गेनिजम्स को, उन जो ऑर्गेनिजम्स को जब हमने कैटेगराइज करा, इस पूरी की पूरी जो स्टडी है उसको साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट ने किया उनको क्या कहा जाता है, टेक्सोनोमिस्ट, या फिर सिस्टमैटिस्ट्स. ओके, द टर्म्स सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन आर ऑफन हेल्ड एज सिनोनिम्स. ये ज़्यादातर क्या है, सिनोनिम्स, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के साथ, बट टेक्निकली दे कैरी द डिफरेंट मीनिंग्स. अगर देखा जाए तो ये सारे सिस्टमैटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही चीज़ में आ रही हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको नेम कर रहे हैं और उनको एक ग्रुप में रख रहे हैं, ठीक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड और एक ही चीज़ है, बट पर्यायवाची हैं, बट टेक्निकली देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए तो इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं. ओके, सिम्पसन एक साइंटिस्ट थे. सिम्पसन ने हैज डिफाइंड द सिस्टमैटिक्स एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. सिम्पसन ने कहा कि क्लासिफिकेशन के हर लेवल पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की, तो उसी चीज़ को उन्होंने सिस्टमैटिक्स बोला. ठीक है, क्या बोला, सिस्टमैटिक्स बोला उन्होंने कि सिस्टमैटिक्स को उन्होंने क्या कहा कि ना सिर्फ ये डाइवर्सिटी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है और वो हर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में है. ये किसने बोला, सिम्पसन, ये कई बार आ जाता है वन नंबर क्वेश्चन में. ठीक है, फिर है हिस्ट्री. अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या करा. अर्ली क्लासिफिकेशन वर कंसर्न एंटायरली फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो बहुत पहले की क्लासिफिकेशन होती थी उसमें सिर्फ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंसिडर किया जाता था, या तो बहुत ही बुरे जो बीमारी फैलाने वाले हो गए, या फिर बहुत ही अच्छे जो हमें अच्छी चीज़ें देने वाले हो गए, जैसे दवाइयाँ बन गई या कुछ यूजफुल वाले हो गए. ठीक है, प्लाइनी द एल्डर इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट सिस्टम दिया था. उनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिया नेचुरलिस. ठीक है, इट मेंशंस अबाउट 1000 इकोनॉमिक प्लांट्स, जिनसे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, विथ अबाउट 2000 आइटम्स. और उसमें उन्होंने प्लांट की कितनी स्पीशीज डाली, 2000. ठीक, मोर एंड मोर ऑर्गेनिजम्स वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड. उसके बाद और ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स आते रहे, और फिर उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सिमिलर थी तो उसी हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन होती गई. ठीक, उसके बाद जॉन रे
जॉन रे इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे. ही डिस्क्राइब्ड अबाउट 18,600 प्लांट्स इन 3 वॉल्यूम्स. उन्होंने किताबें लिखी थी, उनके 3 वॉल्यूम्स थे. उस किताब का नाम था हिस्टोरिया, ये आपको याद करना है. जनरलिस आता है प्लांटेरम, ठीक है. ये भी 1686 से लेकर 1704 की है इनकी, राइट. तो इस पे उन्होंने 18,600 प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई करा था, डिस्कवर करा था और उनको इसके अंदर डाला था. इस नाम, इसका बुक का क्या नाम था, ये सब आपको लर्न करना है, ओके. फिर है द नेचुरलिस्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीशीज इन इट्स प्रेजेंट सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्होंने फर्स्ट टाइम स्पीशीज का नाम लिया था कि स्पीशीज होती क्या है. मैंने आपको बताया ना, दो नाम होते हैं, मतलब एक नाम के दो होते हैं, एक जेनेरिक होता है, एक स्पीशीज होता है. तो ये स्पीशीज नाम इन्होंने फर्स्ट टाइम लिया था. स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे कैरोलस लीनियस. इनका नाम तो है भी नॉमेनक्लेचर में, बहुत फेमस है लीनियस, ठीक है. ही डेवलप्ड द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज. उन्होंने स्पीशीज का नाम लिया था और उन्होंने ये करा था कि दो नाम होते हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक, और इसको उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला था, क्योंकि दो चीज़ें आ रही हैं जिसमें. जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो वो क्या है, होमोसेपियंस. अब होमोसेपियंस सेपियंस भी कहा जाता है क्योंकि दिमाग बहुत बढ़ गया है इंसान का, ठीक है. सो ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इट वॉज गिवन बाय लीनियस. ही डिस्क्राइब्ड अराउंड 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीशीज प्लैनेटरम. उन्होंने जो बुक लिखी थी लीनियस ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियस ने जो बुक लिखी थी, लीनियस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था स्पीशीज प्लैनेटरम, ठीक है. और उन्होंने 4326 एनिमल्स भी लिखे थे और उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी. ये आते हैं नाम हमेशा एक एक नंबर के उसमें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीनियस जो है ना, उनका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में मेन नाम है उनका, ठीक है. फिर है कि वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा. जो सिस्टमैटिक्स है कहाँ से लिया गया है, सिस्टमा से लिया गया है. विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसका मतलब है कि तरीके से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाए और क्लासीफाई किया जाए, अरेंज किया जाए, ठीक है. लीनियस एंड सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ द बुक, ठीक है. उसका टाइटल ऑफ द बुक क्या था, सिस्टमा नेचुरी. राइट फ्रॉम एरिस्टोटल टू लीनियस, एवरी सिस्टमैटिस्ट एम्प्लॉयड लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ था ये सिस्टम. एरिस्टोटल से लेकर लीनियस तक देखा जाए तो क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स थी, लेकिन उनमें जो कैरेक्टर्स लिए जाते थे वो मिनिमम नंबर लिए जाते थे. मतलब मोटे मोटे तरीके से क्लासिफाई किया जाता, आइडेंटिफाई किया जाता था कैरेक्टर्स को, कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये नहीं है. तो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देखे जाते थे, फिर उनको क्लासिफाई किया जाता था. विद इंक्रीज इन डेप्थ, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, ठीक है, स्टडी ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल डोमेन्स, मोर एंड मोर कैरेक्टर्स वर टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द टेक्सोनोमिस्ट. जो टेक्सोनोमिस्ट हैं उन्होंने और चीज़ों को भी कंसिडर करना शुरू कर दिया, जैसे इसकी बायोकेमिस्ट्री कैसी है, इसके अंदर एनाटॉमी कैसी है, इसकी फिजियोलॉजी कैसी है. पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी बहुत बेसिक कैरेक्टर्स के ऊपर होती थी, लेकिन अब एडवांसमेंट के साथ साथ तो कैरेक्टर्स जो भी हम लोगों ने यूज़ करे वो भी एडवांस होते गए टाइम के साथ साथ, ठीक है. इट ब्रॉट आउट नेचुरल एफिनिटीज amongst the organisms. This represented the phase of classical taxonomy which produced natural systems of classification. इस ये जो phase था उसको हमने क्या नाम दिया, classical taxonomy. classical taxonomy नाम दिया, ठीक है. और which produced, जिसने क्या produce करा, natural systems of classification. अ मॉडिफिकेशन ऑफ दिस सिस्टम इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और फेनेटिक्स. अब जब इसी की इसके अंदर थोड़ा सा इसको भी मॉडिफाई करा गया, देखो मॉडिफिकेशन तो होगी जब एडवांसमेंट होगी, ये तो सोचो ही. जब इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो इसको कहा गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और फेनेटिक्स.
ये मैंने ब्लैक कलर में मार्क कर मतलब लिखे हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैक कलर का मतलब ये कि आप बोल्ड लेटर्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको आपको याद करना ही करना है. ओके, विच केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 1915s. ये कब आए उसमें 1950s में आए. स्लोली बायोलॉजिस्ट बिगिन टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप्स. धीरे धीरे बायोलॉजिस्ट ने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना शुरू कर दिया कि मतलब इससे पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले क्या था. ठीक है, तो एवोल्यूशनरी वो हो गया. और फिर जेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि उनके जीनस का जो उनके जीन्स हैं वो कंसिडर करे जाने लगे. दिस रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और क्लैडिस्टिक्स. जब जेनेटिक्स बीच में आ गई तो उसको क्या गया, क्या कहा गया, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. आपने पढ़ा भी होगा फाइलोजेनी रिकैपिटुलेट्स एंड ऑन्टोजेनी. हम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, नाइन्थ या टेंथ, नाइन्थ में पढ़ा हुआ शायद. तो ये फाइलोजेनी कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है, मतलब कहने का मतलब यही है कि एवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट होता है उसको फाइलोजेनेटिक कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और क्लैडिस्टिक्स. अब ये आ सकता है कि वॉट इज क्लैडिस्टिक्स, ये याद रखना. दिस फेज इज नोन एज न्यू सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स. इसको क्या कहा गया, न्यू सिस्टमैटिक्स या फिर बायो सिस्टमैटिक्स. ओके, फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स इज सर जूलियन हक्सले. इनके जो फादर हैं न्यू सिस्टमैटिक्स के, हक्सले हैं, काफी फेमस हैं ये. फिर है बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी. अब जो ये हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ी है ना, इसके बेसिक्स क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इन्होंने कंसिडरेशन में ली थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. थोड़ा बोरिंग है मुझे पता है, बट इतना भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नाम आपको याद करने हैं, कुछ चीज़ें याद करनी हैं, बट एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू डू. ठीक है, बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी. पहला है डिस्क्रिप्शन. आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासीफाई करते हो तो उसके कुछ बेसिस होने चाहिए. तो पहला है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स, जो उसके बाहर के कैरेक्टर्स हैं, जो नज़र आने वाले हैं, जो हमें एक ही नज़र में समझ में आ जाता है, देख के पहचान लेते हो ना ये कुत्ता है या बिल्ली है, तो दिस इज डिस्क्रिप्शन. ओके, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कैरिड आउट टू नो वेदर इट इज सिमिलर टू एनी ऑफ द नोन ग्रुप या टैक्सा. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया कि तीन लोग थे, एक टी नाम का जो ऑर्गेनिज्म पाया गया वो उसको हमने किसी स्पीशीज में डालना है, तो हमने क्या करा, हमने उनको मैच करा. ठीक है, और फिर उसके डिफरेंसेस देखे कि यार ये कहाँ डिफरेंट हो रहा है, फिर हमने उसको उन ग्रुप में डाला. ओके, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन. तीसरा आ गया क्लासिफिकेशन. The organism is now classified on the basis of its resemblance to different taxa. ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि resemblance से हम एकदम से डाल सकते हैं. अगर आपको कोई organism नज़र आएगा तो आप एकदम बताओगे ना कि इसको बकरियों में के ग्रुप में डालना है या फिर डॉग्स में डालना है या कैट्स में डालना है, राइट. इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिजेंबल एनी नोन ग्रुप्स. अ न्यू ग्रुप ऑफ टैक्सॉन इज रेज टू अकोमोडेट इट. पहले तो ये भी होता था ना कि सारे ग्रुप्स तो बने नहीं थे, अब तो हमारे पास बहुत अच्छा एक क्लासिफिकेशन का वो है. तो पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म नया मिलता भी था और अगर पहले जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स थे उससे वो मैच नहीं करता था, तो एक नया ग्रुप बनाया जाता था जिसको कि टैक्सॉन कहा जाता था. ठीक है, और उसमें फिर उसको अकोमोडेट किया जाता था, डाला जाता था, राइट. अच्छा, फिर है नॉमेनक्लेचर. After placing the organism in various taxa, its correct name is determined. फिर मैंने कहा ना नाम कैसे दिया जाए. If the organism is new to systematics, it is given a new name based on the rules and the conventions of the nomenclature. मतलब nomenclature के जितने भी rules हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला generic name होता है, दूसरा specific name होता है, यहाँ पे पहला capital होता है, यहाँ पे जो होता है छोटा होता है. ठीक है, और उनको underline किया जाता है, तो accordingly हम उनको फिर classify कर देते हैं किसके अंदर उसका नामकरण हो जाता है, मतलब nomenclature हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसका रिकैपिटुलेशन लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस. टेक केयर, बाय बाय.